hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Hey guys, welcome to my vlog. Guys, कैसे हो आप? I hope आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब बिल्कुल ठीक हैं. गाइस, आज हम आप देख सकते हैं गाड़ी में हूँ. एक्चुअली हम कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं जा के आए हैं. गाइस एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब. आप देख सकते हैं मैंने कैप पहनी है, मास्क पहना है, क्योंकि हम ट्रैफिक में हैं, बाहर हैं. ठंड भी है गाइस अभी. एक्चुअली ठंड है नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी लग जाती है. और अब चलते हैं आगे, घर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है. आज सैटरडे है, छुट्टी है, फुल डे मस्ती करेंगे. ओके गाइस चलते हैं. गाइस अभी हम जा रहे हैं घर. देख मेरे बाल कैसे हो जाते हैं ट्रैवलिंग में. गाइस एक्चुअली ना रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट पड़ता है, तो सुमित को एक्चुअली वहाँ पे गरम गरम समोसे बनते दिख गए, तो इसका मन कर रहा था. एक्चुअली मैं तो खा नहीं सकता, आपको पता है अभी मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो मैं खा नहीं सकता तली. वैसे भी मैं इस तरह की चीज़ें अवॉइड करता हूँ नॉर्मली. ये लगा हुआ है, खा ले खा ले, फटाफट खा ले, खत्म कर जल्दी, फिर चलेंगे. और मैं सिर्फ देख सकता हूँ गाइस, मन तो मेरा भी कर रहा है लेकिन मैं खा नहीं सकता, आपको पता है. पांच समोसे मैं अकेले खाऊंगा. देखिए गाइस सच में, चल खोल के दिखा कितने समोसे हैं इसमें. ओनली एक guys, है. ये देखिए गाइस, सीरियसली से बैठा नहीं रहा ज्यादा, बहुत ज्यादा खा चुका है ये. जलेबी भी खाई थी ना साथ में, केवल समोसे से, ओनली समोसे. शिट यार, गरम थे क्या? एक ही तो खाया था. कोई ना, नाम मत ले यार मेरे सामने. चार चार खाने के बाद नाम कॉल. सीरियसली गाइस, पता गाइस एक्चुअली ना अभी ये सारी चीजें मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे थे अभी रिसेंटली. तो डॉक्टर्स ने मेरे को साफ मना किया हुआ है कि जब यहाँ रोड पे छिपके. सी गाइस, इसका फेस हंसके और वीडियो शुरू करने से पहले बोल रहा था कि मैं बोलूँगा कि ना ये तूने खाए हैं वॉट एवर. गाइस मैं नहीं खा सकता हूँ, मेरा मन तो बहुत था. एक्चुअली जब मैं खाऊंगा ना एक साल में चार पाँच. तो गाइस सुमित निकल दिया है ब्रेकफास्ट और अब खा गया. कितने समोसे थे? पाँच के पाँच खा गया. गॉड, लग भी रहा है भारी. तो अब चलते हैं घर और दिन भर देखते हैं क्या क्या होता है. मिलते हैं गाइस आपसे घर पे जाके. गाइस अभी चलते हैं घर. और कुछ बोल, मेरे फ्रेंड्स को कुछ बता. गाइस आज सैटरडे, आपको बताया था मैंने शुरू में सैटरडे, आज तो छुट्टी है मेरी, तो आज मैं फ्री हूँ. मैंने सोचा कैमरा उठाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ दिखाते हैं आप लोगों को. देखिए गाइस ये कैसे सोचता है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि आप कैसे जो फैंस को. पहली बात मेरे कोई फैंस हैं नहीं एक्चुअली. आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम योर फ्रेंड्स गाइस. आप सब मेरे दोस्त हो, फैंस हो नहीं सकते मेरे, क्योंकि आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी. तो फैंस कभी बोलना मत, ये सारे मेरे दोस्त हैं. दे जस्ट अटैच्ड विद मी बिकॉज दे लाइक मी एंड आई लाइक यू ऑल गाइस. ओके, तो कुछ बता रहा था, कुछ सोच रहा था, बता क्या. तो सोच आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता है, सब्सक्राइबर बढ़वा सब्सक्राइबर. नहीं ऐसा कुछ नहीं गाइस, मैं इसको जस्ट ये बोलता हूँ कि कुछ मतलब अपने फ्रेंड्स को कुछ नया दिखाएं, कुछ कंटेंट सोचा कर, कुछ मतलब हाउ वी कैन इम्प्रेस यू. और हम नई चीज़ें लाने की कोशिश भी करते हैं. मेरा जो लास्ट वीडियो था गाइस, उसकी तो आपने मैंड बजा दी गाइस. एक्चुअली मुझे बताना कमेंट में आपको क्यों नहीं पसंद आया, वो किसी ने देखा ही नहीं गाइस, आपको देखना चाहिए था. सीरियसली गाइस पता, मैंने बहुत मेहनत की थी, मुझे लगा था कि दैट वॉज जस्ट इमोशनल, दे विल जस्ट कनेक्ट यू. मुझे लगा कि स्पेशली फॉर द मैरिड पर्सन्स, कि आप लोग पसंद करोगे जो मैरिड है, जो जस्ट कनेक्ट विद देयर वाइफ्स. बट मुझे नहीं पता था कि योर वाइफ डज नॉट मैटर टू यू, ऐसा होना नहीं चाहिए. एक्चुअली मुझे लगा था कि स्पेशली फॉर द वुमन आप लोग पसंद करोगे बहुत ज़्यादा उसे.
वो ज़्यादा प्यार दोगे, लेकिन जो आपने मेरे वीडियो की हालत की है गाइज, देखा है, वैसे देखा है, जिन जिन ने देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा भी है, पसंद किया है, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं की है, तो क्या बोल सकते हैं, बस कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं मानने वाले हैं, कंसिस्टेंट रहूँगा गाइज एंड तक। और गाइज पता है मैं कोई शायद में क्या बोल रहा हूँ कि मैं ले 200 लेकर और लेके आऊँ पता है मैंने ओपनली बोल दिया था, मेरे को देख रहा है मेरे को बोल रहा था 200 और लेके आ, गाइज चाय खा चुका है, आई थिंक दुकान पर खत्म हो गए होंगे एक्चुअली हम जिस शॉप पे खड़े ना वो थोड़ी फेमस है, तो मतलब जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ना गाइज ऐसी है क्योंकि वीकेंड्स पे वैसे ही लोग ब्रेकफास्ट वगैरह में इग्नोर करते हैं, घर पे कुछ नहीं खाते, बाहर का ही खाते हैं, और मेरे बाल आप देख सकते हैं कैसे हो रहे हैं, तो चलते हैं गाइज। क्या हुआ, जलेबी खाएगा? नहीं। तो क्या खाएगा, डाइट पे? हाँ। समोसे का के डाइट पे चलो गाइज मैं इसके लिए 2 समोसे और लाता हूँ, तो मिलते हैं आपसे ना, ये नहीं मानेगा, ये कैमरा ऑफ होते ही ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो गाइज तो हम आ चुके हैं घर, और आपको दिखाता हूँ, अभी सुमित ऊपर चला गया, एक्चुअली इसका कॉलेज का टाइम हो रहा है, कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहे हूँ, और यहाँ पे बन रहा है खाना, till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we... आपको मैं लेके चलता हूँ बालकनी में, ये है हमारे घर की बालकनी, और यहाँ से देखिए सामने से व्यू, और ये है हमारी गाड़ी, ये तो आप देख ही चुके हो गाइस, बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हो आप, ये यहाँ से भी गाइस बहुत प्यारा व्यू होता है, खड़ा यहाँ पे लगा इसको सर पे लगा, एक्चुअली गाइस अभी मैं इसको जो बोलूंगा ना वो करेगा, क्योंकि एक्चुअली इसको मैं गाड़ी से छोड़ के आने वाला हूँ, इसने मेरे को बोला है कि गाड़ी से कॉलेज छोड़ के आ, तो सीधा खड़ा हो जा, बैठ नीचे till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. सुमित को छोड़ के मैं आ चुका हूँ कॉलेज, और अभी रास्ते में दीदी का घर पड़ता है, आपने देखा भी होगा इनको मेरे अर्लियर व्लॉग्स में, मैं दिखाता हूँ अभी इनको, आपको मिलवाता हूँ, ठीक है गाइस, कुछ काम कर रहे हैं गाइस पता है आपको, एक्चुअली ना जैसे ही कैमरा ऑन होता है सबकी बातें बोलना सब चुप हो जाता है, सब इतने सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं, अच्छे से एक्ट करते हैं, अच्छा फेस बनाते हैं, आराम से बहुत ही सॉफ्टली बातें करते हैं और गाइस जैसे कैमरा ऑफ होता है आपको मैं बता नहीं सकता देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नया तरीका है गाइस चाय बनाने का,
भाई देखिए चाय बन भी रही है, तो इसकी अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है ना गाइस, तो कमेंट करके बताना जरूर, आपको रेसिपी बताई जाएगी कि इस तरह से एक छोटे कटोरे में चाय कैसे बनाई जाती है। और बाकी इनका इनका बाथरूम एरिया है गाइस, एक्चुअली ना इनका घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, पूरा बना नहीं है, काम चल रहा है, फिनिश होने के बाद पूरा घर दिखाऊंगा आपको मैं इनका। इनका घर भी बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है, लेके आया था मार्केट एक्चुअली, उनको कुछ सब्जी वगैरह कुछ जनरल स्टोर का कुछ सामान लेना था, तो उनके साथ आया हूँ मार्केट। और ये अपनी गाड़ी देखो भाई, ये कभी पैसे वगैरह मांगने वाले तुम्हें को छोड़ के आ गया हूँ घर, और ऑलमोस्ट 10-11 के समथिंग टाइम हो गया। अभी मैं लेता हूँ शावर और फिर रेडियो कैब से मिलता हूँ, उसके बाद भी कुछ प्लान से आज के देखते गाइस, मिलते हैं आपसे ठीक है गाइस, आफ्टर शावर रेडियो के मिलता हूँ आपसे। मैं शावर लेकर आ चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लान है, एक्चुअली एक स्पेशल प्लान है, वहाँ हमको जाना है, मुझे जाना है, तो आप भी मेरे साथ चलिए। और क्या प्लान है, कहाँ जाना है, पहुँच कर दिखाते हैं आपको। ओके गाइस आइए मेरे साथ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल प्लान है, तो गाइस एक्चुअली हमें इंस्टाग्राम के कुछ फ़ोटोशूट के लिए जाना था, उसके कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरे इंस्टा पे जाकर देख सकते हैं, और कुछ फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, वो आप इंजॉय कीजिए। गाइस गुड मॉर्निंग, अगला दिन हो गया है। एक्चुअली गाइस कल मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लान है, और फिर मैंने आपको बताया, देखा होगा आपने इंस्टा पे, एक्चुअली मुझे कुछ फ़ोटोशूट करवाने थे, तो हम वहाँ गए और क्या फोटोशूट किया था वो सारे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इंस्टा पे जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं थोड़ा थक गया था इसलिए कल कुछ शूट नहीं कर पाया, आज सुबह हो गई, आज संडे है, तो नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, फिर मैंने सोचा कि कुछ करते हैं, कुछ शूट करते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको। गाइज बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और मैं दिखाता हूँ आपको सुमित क्या कर रहा है। सुमित क्या कर रहा है गाइज, क्या कर रहा है, क्लास ले रहा हूँ। बता मेरे दोस्तों को कौन सी क्लास ले रहा है। यूपीएससी। यूपीएससी मतलब 10th क्लास की ना। यस। यूपीएससी 10th ही होता है ना, सही। 10th या 8th? 5th। अच्छा 5th में है। फेल हो गया था ना तू। तो बैठा ही लेट है। पढ़ाई अभी शुरू करिए। तुम मतलब दो दो साल तीन साल के गैप लेता बोलना। तो आराम तो करना चाहिए ना। एक क्लास पढ़ता है फिर तीन साल के गैप, फिर एक क्लास पढ़ता है, फिर मतलब एक क्लास की तू तीन साल तैयारी करता है। सही है, सीरियसली दिखाना क्या गाइस, ये देखो यूपीएससी की तैयारी। बंद कर दिया, कुछ गाना सर्च कर रहा था, ये यूपीएससी में गाने का फैन लग गए। सही है सही है। और बता कुछ आज का क्या प्लान है, मेरे फ्रेंड्स को बोल तो दे सब्सक्राइब करे, ले बोल रिक्वेस्ट तो कर दे, करना वो तो ऐसे ही कर देंगे मेरे को देख के, दे आ जाएगी तेरे पे। नहीं नहीं तो मैं हूँ इतना हैंडसम। गाइस ये देखो हैंड पंप। अच्छा हैंड पंप बोला, मैं सोचा बोला हैंड पंप। सही है सही है सही है। अब मेरे को तो पता नहीं हैंडसम क्या होता है, हैंडसम मतलब खराब ना। यस। हाँ तो तू खुद की तारीफ करेगा या बुराई करेगा, तो खुद को अपने आप को खराब बोल रहा है। हैंडसम मतलब क्या होता है, खराब ना है।
सही है सही है। अच्छा मेरा व्लॉग देख रहा है क्या? हाँ देख दे, चल मेरा व्लॉग चला एक बार। कहे जी देखो अभी हो गई है शाम और मेरा ये जो व्लॉग है एक्चुअली कल मॉर्निंग से चल रहा है, तो अभी मैं इसको करूंगा एंड और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी चीज कीजिएगा गाइस, गलत चीज कभी मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।